नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी यात्रा आज से शुरू होगी। इसकी शुरुआत अम्बाला के नारायणगढ़ विधानसभा सीट से होगी। ये यात्रा नारायणगढ़ से शुरू होकर कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए पहले दिन शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। ये चुनावी रथ यात्रा आज से 3 अक्टूबर तक हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा से होकर गुजरेगी। मानहानि केस में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई आज होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के आरोप की बीजेपी नेता राजीव बब्बर की याचिका पर सुनवाई टल गई। तिरुपति लड्डू विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के पूर्व अध्यक्ष और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने याचिकाएं दाखिल की है। इन याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की बैठक आज होगी, जहां चेयरपर्सन माधवी पुरी के खिलाफ आरोपों से जुड़े मसले पर चर्चा हो सकती है। सेबी की सितंबर में होने वाली बोर्ड की बैठक काफी अहम होगी। मुझ पर हिंडनबर्ग द्वारा 10 अगस्त को लगाए गए आरोपों के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सेबी चेयरपर्सन पर कई आरोप लगाए थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज तय की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आईटीआई या इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर भरा जा सकता है। गरीबों के निवाले पर कोई डाका ना डालने पाए, इसके लिए वर्तमान में केवाईसी कराई जा रही है। ई पास मशीन में सर्वर की खराबी तो कहीं कार्ड धारकों की उदासीनता के ई केवाईसी में तेजी नहीं आ पा रही। ई केवाईसी कराने की अंतिम तिथि आज निर्धारित है। केवाईसी ना होने पर कार्ड धारकों का नाम कट सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी के सोनभद्र में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। जिला सेवायोजन के तत्वाधान में इस रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 11 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए सप्ताह में लिस्ट होने जा रही कंपनियों में से 2 मेन बोर्ड सेगमेंट की है। बीएससी एनएससी और मनबा फाइनेंस की लिस्टिंग आज और डिफ्यूजन इंजीनियर्स की लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी। बता दें कि आज से शुरू हो रहे सप्ताह में मेन बोर्ड सेगमेंट में कोई नया आईपीओ नहीं होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि जारी कर दी है। बता दें कि नामांकन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज अंतिम तिथि है। वहीं विद्यार्थी ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1687 में औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1962 में भारतीय गायक शान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1993 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकंप के कारण 10,000 से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए। आज ही के दिन 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव राव सिंधिया का निधन हुआ था। आज ही के दिन 2003 में विश्वनाथ आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।